आप लाख एक दूसरे से बचने की और नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, मगर दोस्ती छोड़ दुश्मनी में भी भारत और पाकिस्तान का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं। भला ये कैसे मुमकिन है कि एक के घर में कोई पार्टी चल रही हो और उसमें हमसाए के गुण ना गिनवाए जाएं, भले पार्टी में आने वाले मेहमानों को इससे दिलचस्पी हो ना हो। ये कैसे हो सकता है कि भारत में किसी राज्य का चुनाव हो रहा हो या फिर लोकसभा के लिए वोट पड़ रहे हों और चुनावी डंडों से पाकिस्तान की मुरम्मत ना हो रही हो। आखिरी बार जिस पार्टी को हमारे यहाँ 2015 में इंडियन एजेंट का खिताब मिला वो अल्ताफ हुसैन की MQM थी। हालांकि खिताब देने वाले शायद भूल गए कि यही पार्टी लगभग 5 वर्ष हमारे सबसे बड़े देशभक्त जनरल परवेज मुशर्रफ की आंखों का तारा भी रही। हमारे यहाँ जब भी किसी घटना का कोई सिरा पकड़ा ना जाए तो समझ लीजिए कि ये कांड इंडियन एजेंटों का है, या तो इंडिया ने खुद किया है या फिर तालिबान, बलोचों या सिंधियों के ज़रिए करवाया है। भारतीय इस्टेब्लिशमेंट का भी अक्सर मामलात में हमारे साथ यही रवैया सुनने में आता है। अलबत्ता पाकिस्तान में भारत से 1000 साल तक जंग के विषय पे जो आखिरी चुनाव लड़ा गया वो 1970 का पहला चुनाव था। उसके ठीक एक वर्ष बाद पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, मगर मुझे याद नहीं पड़ता कि भारत में आज तक कोई ऐसा चुनाव गुजरा हो जिसमें पाकिस्तान शामिल ना हुआ हो। हर बार लोकसभा इलेक्शन के समय मोहम्मद रफ़ी का गाना खुद ब खुद याद आने लगता है, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। ऐसा नहीं कि इलेक्शन की तारीख घोषित होते ही शोर मच जाता हो, होता यूं है कि बाख और बेथवेन की तरह चुनाव प्रचार की सिम्फनी भी किसी एक बांसुरी से धीमे धीमे शुरू होती है, फिर पिछले 5 वर्ष की तरक्की का वायलिन भी इस बांसुरी के साथ शामिल हो जाता है, फिर तीसरे साज के तौर पे किसी मंदिर की तामीर का नगारा बजने लगता है, फिर कौन सी जाति, वर्ग, फिरका या समुदाय किस पार्टी का लाडला है का कोरस शुरू हो जाता है, बेरोजगारी, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के ड्रम शामिल होते चले जाते हैं। यूं सिम्फनी आसमान छूने लगती है। जैसे जैसे चुनाव अगले मरहले में दाखिल होते हैं गायकों के मुंह से झाग निकलने लगते हैं, एक दूसरे पे तानों की बोतलें, भपतियों के पत्थर और पाकिस्तान की चप्पलें बरसनी शुरू हो जाती हैं। जब पोलिंग के तमाम मरहले ख़त्म हो जाते हैं तो दिमाग को झुंझुना देने वाला आर्केस्ट्रा आहिस्ता आहिस्ता थम जाता है। तबलची, बांसुरी नवाज, वायलिनिस्ट, गिटारिस्ट, ढोलची और शंख बजाने वाले घरों को लौट जाते हैं और तमाम बोतलें, पत्थर और चप्पलें गठड़ी में बांध के अगले चुनाव में इस्तेमाल के लिए एक तरफ रख दी जाती हैं। अजीब बात है कि पिछले 3 चुनाव के दौरान भारत और चाइना के संबंध पाकिस्तान और भारत ताल्लुकात के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब रहे, लेकिन किसी भी बड़ी जमात ने अपने विरोधी को चीनी एजेंट नहीं बताया। शायद इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबलों की टेंशन की तरह वोटर को भी चटपटे खानों जैसा पाकिस्तान का जिक्र ही जमता है। जब माओं के पास बच्चों को सुलाने के लिए कोई कहानी नहीं बचती थी तो आखिर में ये हथियार इस्तेमाल होता था कि जल्दी से आंखें मीच लो वरना भवू आ जाएगा, जल्दी से हमें वोट दे दो वरना भवू आ जाएगा। हालांकि बेचारे भवू की अपनी हालत इन दिनों पतली चल रही है, मगर भवू इसी पे खुश है कि अपने ना सही किसी हमसाए के यहाँ तो आपसी डरावे के काम आ रहा है। हमारी दादी समझाया करती थी कि बेटा, बच्चे के बाद बेबात रोने, नशे में दी गई गाली और चुनाव में होने वाली तकरीरों को कभी सीरियसली ना लो, बस सुनो, मज़े लो और अपनी राह लगो। सोचता हूँ आज दादी जिंदा होती तो उन्हें सीमा पार से आ रही खबरें सुन के कितना अच्छा लगता।